तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए राजस्थान के जालौर पाली समाचार की बात कर लेते हैं। जालौर डिपो की रोडवेज बस यात्रियों से भरी हुई थी। रोडवेज बस बुधवार शाम को अनियंत्रित होकर पलट गई। इस घटना के दौरान करीब 14 यात्रियों को लेकर बेहद ही बुरी खबर सामने निकल कर आई है। इसी दौरान सादड़ी थाने के ASI ईश्वर सिंह ने बताया कि जालौर डिपो की रोडवेज बस बालोतरा से सोनाड़ा और खेतलाजी चलती है। बस में करीब 18 यात्री शामिल थे। बस देसूरी सादड़ी से बीच सुथारों के गुड़ा के पास रपट पर बस का एक पहिया पुलिया से नीचे उतर गया था, जिसके बाद बस पलट गई। इस घटना के दौरान बस में करीब 14 यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। इस घटना की आवाज सुनकर सरपंच घीसूलाल मेघवाल सहित ग्रामीण मौके पर पहुंचे हैं और सभी यात्रियों को बस से बाहर निकाला गया, जिसके बाद सरपंच ने किसी अन्य बस को रुकवाया और जिसके बाद दूसरी बस में आगे के लिए सफर के लिए रवाना कर दिया गया। गनीमत रही इस घटना के दौरान कोई भी अनहोनी होने से बच गई। वहीं पुलिस ने इस मामले की रिपोर्ट को दर्ज करते हुए इस मामले में भी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सो दोस्तों, बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट में अपनी राय जरूर दें।